नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन एक समारोह में पहुंचे हुए थे, जहां पर पत्रकारों ने उनसे जब तेज प्रताप और राहुल गांधी को लेकर कुछ सवाल किए, तो क्या कुछ कहा नितिन नवीन ने, ये आप भी सुनिए। देखिए, कल तक पार्टी को परिवार ने कब्जे किया हुआ था, अब भाई ने कब्जा कर लिया। और मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप जी को आईना दिखा दिया है। अब तेज प्रताप जी को चाहिए कि उस आईने में अपनी तस्वीर को साफ रूप से देख ले कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या बची है। अब इसके बाद उनको निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है कि विकल्प करेंगे भाजपा माने के लिए? नहीं, ये हम लोग का ऐसा कोई विकल्प की बात करेंगे। वो जो जिस हाशिए पे हैं, वो अपने हाशिए पे खुद अपनी बात समझे। धन्यवाद। एक बात बताएं, राहुल गांधी कहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित है, लेकिन जब वहाँ परेशानी होती है बिल्कुल नहीं जाते, इससे आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी केवल चुनाव में पंडित बनते हैं, और जब समाज पर दर्द होता है, हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो उनकी बोलती बंद रहती है। तो वोट के लिए जो लोग काम करते हैं, वो निश्चित रूप से उनके दर्द से दर्द उनको नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में जब लड़के मारे गए, हिंदू लड़के का हमला हुआ, उसकी हत्या हुई, वहाँ पर उनका ध्यान नहीं गया कि उनकी सरकार में। लखीमपुर में जब घटना घटी, तो वहाँ पर मिलने के लिए उतावले हैं, जबकि घटना जिस ढंग से घटी दुखद है, लेकिन जिस ढंग से वहाँ पर वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो बंगाल में हजारों लोगों पर हमलाए हुए, महिलाओं पर अपमानित किया गया, उनकी इज्जत आबरू के साथ खेलने का काम किया गया, वहाँ पर कहाँ थे राहुल गांधी? एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए बंगाल की घटना पर उनका आया हो। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, कश्मीर को किस हाल में उन्होंने छोड़ा था, वो कश्मीर की जनता और देश की जनता जानती है। इसलिए अब कश्मीर के प्रति अगर कोई संवेदना भी व्यक्त करते हैं, तो घड़ियाली आंसू बहाने से राहुल गांधी का कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, कल तक पार्टी को परिवार ने कब्जे किया हुआ था, अब भाई ने कब्जा कर लिया। और मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप जी को आईना दिखा दिया है। अब तेज प्रताप जी को चाहिए कि उस आईने में अपनी तस्वीर को साफ रूप से देख ले कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या बची है। अब इसके बाद उनको निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है कि विकल्प करेंगे भाजपा माने के लिए? नहीं, नहीं, ये हम लोग का ऐसा कोई विकल्प की बात करेंगे। वो जो जिस हाशिए पे हैं, वो अपने हाशिए पे खुद अपनी बात समझे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से मंत्री नितिन नवीन ने राहुल गांधी और तेज प्रताप को लेकर किस तरह से कटाक्ष करते हुए नजर आए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।